हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की आज हम करेंगे क्लास सेवेंथ की साइंस की वर्कशीट वर्कशीट नंबर थ्री जो कि आपकी डेट सोलह अप्रैल की है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे लास्ट वर्कशीट में भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स सम प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स आर नोन एयर हैट्रोक्रॉप्स यानी कि जैसे हम ह्यूमन और एनिमल्स जो होते हैं और सम प्लांट्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं खाने के लिए किसी और पे उनको हम क्या कहते हैं हेट्रोट्रॉप और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लुक एट दिस पिक्चर बेटा ये पिक्चर देखो उस पर आपने देखा होगा पेड़ के ऊपर येल्लो येल्लो ऐसे बहुत पतली पतली सी स्टेम टाइप के आपको नजर आएगी दिस इज प्लांट ये प्लांट है इस प्लांट के ऊपर भी येल्लो कलर का जो है ये प्लांट है इसको बोलते हैं कस कस्कटा यानी कि अमरबेल बेल तो आपने इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल इसके में क्लोरोफिल नहीं होता आप क्लोरोफिल नहीं होगा तो भाई पौधे खाना कैसे बनाएंगे बिना क्लोरोफिल के तो खाना बन नहीं सकता है एंड इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग तो जिस पेड़ के ऊपर ये होती है ना उस पेड़ से ये खाना ले लेती है बेल द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड होस्ट जिस प्लांट के ऊपर होती है वो होस्ट कहलाता है ठीक है और ये जो है अमरबेल जो है कसकटा क्या कहलाएगा पैरासाइट क्या कहलाएगा पैरासाइट देयर आर फ्यू प्लांट व्हिच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम मतलब कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं भाई जो इंसेक्ट को खा जाते हैं सच प्लांट मे बी ग्रीन और सम ऑफ अदर कलर तो ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं दूसरे कलर के भी हो सकते हैं प्लांट प्लांट लुक एट द पिक्चर हुज पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीव एन पिक्चर देखो बेटा लीव से बना हुआ है ये ठीक है जग जैसा है माउथ ऑफ दिक्चर तो ये क्या करता है इसको ढक्कन को खोलता है यहाँ पे देखिये विनिस फ्लाइट रैपे दो तरह के दे रखे हैं तो यहाँ ये देखिए इसको मुंह है यहाँ पे इंसेक्ट आएगा और बैठेगा और ये इसको बंद कर लेगा और खा जाएगा इनसाइड द पिक्चर देयर आर ये देखो पिक्चर प्लांट का बता रही है देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स वैन एन इंसेक्ट लेंड ऑन द पिक्चर द लीड्स क्लोजेस ऊपर का ढक्कन बंद हो जाता है द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एन टारेट इन टू द हेयर तो हेयर जो होते हैं अंदर बाल जो होते हैं उनमें फंस जाता है वो जो भी इंसेक्ट होता है हेस द इंसेक्ट कैन नॉट मूव आउट बाहर नहीं निकल सकता द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस एंड इट न्यूट्रिय आर एब्जॉर्ब बाय पिक्चर प्लांट तो भाई क्या होता है वो डाइजेस्ट कर लेता है और जो उसका जूस होता है वो प्लांट यूज कर लेता है सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कार्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या कहते हैं इनको इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट insect को खा जाते हैं एग्जाम्पल है आपका पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट तो यहाँ देखिए डायग्राम देखिए बेटा पिक्चर प्लांट का और वीनस फ्लाई ट्रैप का है ना ये देखो जग जैसा है ढक्कन भी लगा है इस दिस प्लांट डिपेंड ऑन इंसेक्ट क्यों डिपेंड करते हैं बिकॉज दे डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिय फ्रॉम सॉइल ये इसलिए डिपेंड होते हैं क्योंकि सॉइल से जो इन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं ठीक है क्लियर है आई होप चलिए क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ पैरासिटिक प्लांट विच येलो सिलेंडर एंड ब्रांस डिस्टेम तो भाई ये तो कसकटा है तो आपके फर्स्ट का आंसर है कसकटा अमरबिल तो ये फर्स्ट का आंसर यहाँ से लिख लेंगे चलिए सेकेंड क्वेश्चन इज राइट सम एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स तो भाई तो 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 पिक्चर प्लांट और विनस ट्रैप प्लांट आप पूरा ही लिख लीजिएगा यहाँ से ये आपके सेकेंड का आंसर हो जाएगा थर्ड इज़ वाई डू वाई डू इंसेक्टिवरस प्लांट्स ईट इंसेक्ट क्यों खाते हैं भाई दिस प्लांट्स डिपेंड ऑन इंसेक्ट बिकॉज दे डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल तो ये थर्ड का आंसर हो जाएगा क्योंकि सॉइल से उन्हें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं फोर्थ क्वेश्चन विच टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज बाय पैरासिटिक प्लांट्स एंड इंसेक्टिवरस प्लांट्स तो अभी हमने ऊपर पढ़ा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो मैं लिख देती हूँ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ठीक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहां देखिए मैं इसका आंसर यहीं से भी बता देती हूँ आपको तो ये कौन सा क्वेश्चन था आपका फोर्थ तो आप फोर्थ का आंसर यहाँ से लिखेंगे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा ठीक है तो यहाँ होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग